हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम देखते हैं सोनालिका का RX 35 वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा 275। अगर RX 35 की बात करें हम, तो RX 35 जो है वो 28.9 का बैकअप टॉर्क यानी लगभग 29 का बैकअप टॉर्क देता है, जबकि महिंद्रा 275 का सिर्फ 8 का ही बैकअप टॉर्क है। आप देख सकते हो सोनालिका में कितना ज़्यादा पावर है, यानी लगभग 4 गुना ज़्यादा पावर बैकअप टॉर्क में सोनालिका का ज़्यादा है। महिंद्रा को यहाँ पर ये चारों खाने चित कर देता है दोस्तों। बैकअप टॉर्क काफ़ी अच्छा है, यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महिंद्रा 275 Di के कंपेयर में। अगर इंजन की क्षमता की बात करें तो लगभग 700 cc से इंजन RX 35 का ज़्यादा है। 2780 cc है और महिंद्रा 275 वो सिर्फ आता है 2048 cc एंड 2048 cc। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो दोनों 13/6/28 के टायर में आते हैं। और अगर हम डीजल सेवर यूनिट की बात करें तो महिंद्रा डीजल सेवर यूनिट नहीं देता है, जिसकी वजह से एवरेज काफ़ी कम आता है एज़ कम्पेयर टू सोनालिका। दूसरी बात है सोनालिका के ट्रैक्टर से वो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर से क्लच में भी साइड शिफ्ट आते हैं। और दूसरा, ये जो महिंद्रा के ट्रैक्टर है वो सिर्फ कॉन्स्टेंट मेश टाइप के ही गियर देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग में आसानी हो जाती है अगर सोनालिका का ट्रैक्टर आप यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक की क्षमता के बारे में महिंद्रा कहता है कि 1426 किलो हम वज़न उठा सकते हैं, जबकि सोनालिका कहता है कि आप मेरे ट्रैक्टर को लगा कि 1600 किलो का वज़न उठा सकते हैं। लगभग 150 किलो ज़्यादा रिकमेंड किया है सोनालिका ने, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, आप सोनालिका ले सकते हो। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, महिंद्रा से लगभग 1 लाख रुपये सस्ते में आपको सोनालिका का ट्रैक्टर आ जाएगा दोस्तों। ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है कि आप आपकी डील कैसी करते हो दोस्तों। अगले वजन के बारे में बात करें तो लगभग 125 किलो का जो वजन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा 275। आप RX 35 का जो वेट है वो 1250 है, जबकि महिंद्रा का 1125 ही है, यानी 125 किलो का वेट अगले ही इसमें ज़्यादा है। और पिछला वजन अगर देखें तो महिंद्रा 1815 किलो का आता है, जबकि सोनालिका 2080 किलो का आता है, यानी लगभग 200 किलो ओवरऑल वेट के अंदर सोनालिका महिंद्रा से आगे बढ़ जाता है। तो इससे आप देख सकते हो कि कितना हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। दूसरी बात है डीजल क्षमता की, हम अगर बात करें तो महिंद्रा सिर्फ 48 लीटर्स लेता है, जबकि आपका RX 35 है वो लेता है आपको 55 लीटर्स। गियर ऑयल चेंज करने की बात करें तो 1200 लीटर को महिंद्रा रिकमेंड करता है और सोनालिका रिकमेंड करता है कि 1800 घंटे को गियर ऑयल बदला जाए, जिसकी वजह से मेंटेनेंस आपको काफ़ी कम लगता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा RX 35। तो दोस्तों मेरी राय रहेगी आप कि आप सोनालिका लें, ताकि आपको इतने सारे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी, ऊपर से 1 लाख रुपये सस्ते से भी आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप RX 42 के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं, वो भी अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन शीट्स के साथ में, तो आप अगले वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।